तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नहीं बल्कि चार ऐसे तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बिल्कुल 100% कॉपीराइट फ्री 100% रॉयल्टी फ्री जो इमेजेस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक क्रिकेट के वीडियो बनाते हैं अपने YouTube चैनल के लिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नहीं बल्कि चार ऐसे तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बिल्कुल 100% कॉपीराइट फ्री 100% रॉयल्टी फ्री जो इमेजेस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने YouTube वीडियोस के अंदर विदाउट कोई टेंशन के आप अपनी इमेज को यूज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यदि उस तरीके में आपने चूक कर दी तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यदि आप एक क्रिकेट के क्रिएटर्स हैं या फिर क्रिकेट के वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम वीडियोस क्लिप्स यूज नहीं कर सकते। आप में से काफी सारे ऐसे वीडियो क्रिएटर्स होते हैं, चाहे वो क्रिकेट के वीडियो क्रिएटर्स हो या फिर अन्य कोई वीडियो क्रिएटर्स हो, वो क्या करते हैं अपने वीडियोस के अंदर शॉर्ट जो वीडियो क्लिप्स होती है वो यूज कर लेते हैं, जबकि यूट्यूब ने साफ साफ मना किया है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 1 सेकंड का भी शॉर्ट वीडियो क्लिप्स अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके चैनल पर कभी भी स्ट्राइक आ सकता है, आपके वीडियोस को कभी भी हटाया जा सकता है, आपके चैनल का मोनेटाइजेशन है वो भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो दोस्तों इस केस में केवल एक ही तरीका बचता है कि हम अपने वीडियोस को किस तरीके से बनाएं स्पेशली क्रिकेट के वीडियोस को। तो दोस्तों इस केस में एक तरह से चार ऐसे माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने वीडियोस के लिए क्रिकेट के जो पिक्स होते हैं फोटोज होते हैं वीडियो बनाने के लिए 100% कॉपीराइट फ्री 100% रॉयल्टी फ्री ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूं पहले तरीके पर ले जाता हूं, उसके बाद मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। दोस्तों जो पहला तरीका है वो जनरल है, आप सभी लोग जानते हैं गूगल है। अब दोस्तों देखिए गूगल से कैसे डाउनलोड करना उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं, आपके चैनल पर कभी भी कोई भी प्रकार की स्ट्राइक नहीं आएगी। दोस्तों गूगल के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस प्रकार का फोन लेना है और फोन लेने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं यहां पर आपको सर्च करना जिस भी टाइप का आपको फोटो चाहिए। जैसे मान के चलिए मुझे विराट कोहली का फोटो चाहिए तो मैं क्या सर्च करूंगा, विराट कोहली सर्च करूंगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे इस प्रकार का इंटरफेस आए उसके बाद दोस्तों आपको इमेज पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इमेज पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और हाँ ये सब प्रोसेस करने से पहले आपको अपना मोबाइल सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में लाना है, बात समझ रहे हो। डेस्कटॉप मोड के बाद यदि आप अच्छी तरीके सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की विराट कोहली की ढेरों सारी फोटोज आ जाएंगी। दोस्तों मैं बात केवल विराट कोहली की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कॉन्सेप्ट की कर रहा हूं। आप इसके गूगल सर्च बार में जाके जिस भी टीम की फोटो चाहते हैं उसका आप नाम सर्च कर सकते हैं, जिस भी खिलाड़ी का आप फोटो चाहते हैं उसका आप नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने विराट कोहली का डाला, मुझे विराट कोहली की चाहिए। यदि आप सूर्य कुमार यादव या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर हार्दिक पांड्या जिस भी टाइप का आपको खिलाड़ी की फोटो चाहिए आप यहां पे सर्च कर सकते हैं। यदि आपको और बेहतर फोटो चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं इसके लिए और आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने गूगल के सर्च बार में सर्च किया विराट कोहली फोटो, ठीक है, तो आपको और बेहतर क्वालिटी के फोटो चाहिए तो आपको यहां पर सर्च करना पड़ेगा विराट कोहली पिक्स 4K, ठीक है, या पर ऐसे भी कर सकते हैं कि विराट कोहली 4K पिक्स। आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं और जैसे आप इस तरीके की सर्च करोगे सर्च करने के बाद इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो फोटोज की क्वालिटी है वो कितनी बेहतर है, यानी कि इस प्रकार के फोटोज को आप अपने वीडियोस के अंदर लगाओगे तो ये ऑडियंस का जो रिटेंशन है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि जो 4K की क्वालिटी होती है पिक्स की वो एकदम क्लियर होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वाले प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको किन चीजों की सावधानी रखनी है। दोस्तों देखिए वैसे तो हम गूगल से डायरेक्टली फोटो नहीं ले सकते, लेकिन आपको पता है इंडिया के जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स होते हैं या फिर क्रिकेट के बड़े बड़े चैनल्स होते हैं वो सारे के सारे गूगल से फोटो लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो फोटो यहां से लेते हैं ना तो फोटो यूज करने में वो थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं। मैं तरीका आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। जब जहां से भी फोटो आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलो आपको ये फोटो डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इस फोटो को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक टैप करना है, थोड़ा सा दबा के रखना है, उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, उसके बाद डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन आता है,
इस पर क्लिक करके आप इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेम टू सेम आपको अपने काइन मास्टर में या फिर जो भी आप एडिटर्स यूज करते हैं फोटोज के लिए, वहां पर थोड़ा जूम इन जूम आउट अपने फोटो को करना है। आपको सेम टू सेम अपने फोटो अपने वीडियोस में इस फोटो को यूज नहीं करना। ज्यादातर जो क्रिकेट के यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम टू सेम फोटो को रख देते हैं, इसलिए आपके चैनल पर स्ट्राइक आता है। तो पहला तरीका तो ये कि यहां पर जूम इन जूम आउट करके आपको फोटो लगाना है अपने वीडियोस के अंदर और आप यहां से फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। और हां एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी फोटो आप यहां से डाउनलोड कर रहे हैं वो वाटरमार्क फ्री होना चाहिए। उसके फोटोज पर किसी भी प्रकार का किसी भी कंपनी का किसी भी यूट्यूब चैनल का कॉपीराइट स्ट्राइक वाला किसी भी प्रकार की चीज का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, लोगो नहीं होना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं ना। तो पहला प्लेटफॉर्म तो ये हो गया। अब मैं दूसरा प्लेटफॉर्म आपको बताता हूं दोस्तों। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है एक ऐप। आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप कौन सा है, ये वाला ऐप का नाम है इमेज सर्च मैन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये 100% फ्री ऐप है। इसको आप अपने गूगल प्ले स्टोर से आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आता है। और दोस्तों ये बहुत ही शानदार ऐप है, स्पेशली क्रिकेट के यूट्यूबर्स के लिए तो ये मान के चलिए वरदान है। बात समझ रहे हो। जैसे आप इस प्रकार का ऐप ओपन करते हो और ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में जाते हो, जिस भी टाइप का आपको फोटो चाहिए, जैसे कि मुझे मान के चलिए सूर्य कुमार यादव का फोटो चाहिए, तो मैं यहां पर टाइप करूंगा सूर्य कुमार यादव 4K पिक। जैसे मैं 4K पिक यहां पर सर्च करूंगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो सूर्य कुमार यादव की जो 4K पिक है वो आ चुकी है। लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इस प्रकार का सर्च करने से पहले आपको अपने मोबाइल डेस्कटॉप मोड में लाना है, जिससे क्या होता है एकदम पूरी स्क्रीन आपके सामने आए और अच्छे से अच्छी जो पिक्स है वो निकल के आ जाए। तो दोस्तों यहां पर जो भी पिक्स मिलता है आपको 100% कॉपीराइट फ्री मिलता, 100% आपको रॉयल्टी फ्री यहां पर इमेज मिलता। अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्रिकेट के यूट्यूबर्स पर स्ट्राइक आया और यहां से उसने पिक्स को यूज किया हो। इसलिए दोस्तों बिना कोई टेंशन के आप यहां से जो पिक्स अब यूज कर सकते हैं, कितनी शानदार और कितनी क्वालिटी वाली पिक्स हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर सारी जो टाइप की जो पिक्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन हर एक पिक में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो वाटरमार्क फ्री होना चाहिए, रॉयल्टी फ्री होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार की जानकारी YouTube पर कोई नहीं देता, लेकिन टेक धमाली देता है, क्योंकि मुझे आपकी मदद करनी है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब अभी करो, इस वीडियो को लाइक अभी करो, क्योंकि इतनी कीमती चीज मैं आपको दे रहा हूं YouTube पर कोई नहीं देता, और दोस्तों इतनी बेहतर जानकारी के साथ में। तो दोस्तों यहां से भी आप जिस भी टाइप के फोटो चाहते हो उस प्रकार की चीजें आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर डाउनलोड करने के लिए कुछ ही करना, आपको जो भी टाइप का फोटो चाहिए उस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आप क्लियर देख सकते हैं यहां पर एक एरो का निशान आता है, एरो का एक साइन आता है, इस पर आपको क्लिक करना, आपका फोटो गैलरी में जाके सेव हो जाता है, कोई झंझट नहीं है। एक क्लिक के अंदर आपको एक बेहतर क्वालिटी का क्रिकेट का फोटो यहां से मिल जाता है। दोस्तों 100% रॉयल्टी फ्री है, आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है अपने YouTube की वीडियोस को बनाने के लिए, इस प्रकार के पिक्स को यूज करने के लिए। लेकिन हां मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आप इस प्रकार की फोटो लें आप अपने वीडियोस के अंदर जूम इन जूम आउट करना है, जिससे कि आपकी जो फोटोज की क्वालिटी है वो भी अच्छी निकल के आए और वो कॉपीराइट के दायरे से हट जाए। तो बात समझ रहे हो। दूसरा तरीका ये है। अब मैं चलिए आपको बताता हूं तीसरा तरीका। दोस्तों तीसरा तरीका के लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से क्रोम ब्राउजर में, और जैसे ही क्रोम ब्राउजर में जाते हैं हमें सर्च करना पड़ेगा ट्विटर। ठीक है, आप बीसीसीआई का ट्विटर हैंडल आप सर्च कर सकते हैं, बीसीसीआई ट्विटर हैंडल में सर्च कर लेता हूं। दोस्तों जैसे बीसीसीआई का ट्विटर हैंडल सर्च करते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आप देख सकते हैं यहां पे बीसीसीआई के कई पेज हैं। जैसा कि आप जानते हैं बीसीसीआई के यदि आपको WPM का आपको यदि फोटो चाहिए, अभी आपको पता है वुमेन IPL चल रहा है, यदि इसका फोटो चाहिए तो आप बीसीसीआई वुमेन पर क्लिक कर सकते हैं, यहां पर आपको ढेर सारे फोटो मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा ट्विटर का इसके लिए अकाउंट होना जरूरी है, तभी यहां पे आप ये चीजें हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, देखो मुझसे भी वो बोल रहा है कि भाई आपका ट्विटर अकाउंट नहीं है, तो दोस्तों आप यहां से डायरेक्टली ले सकते हो, मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं। उसके बाद दोस्तों बीसीसीआई का जो मेन चीज है वो भी आप यहां पे ले सकते हो। यहां पे बीसीसीआई के काफी सारे अलग अलग हैंडल्स हैं, अलग अलग पेजेस हैं, अलग अलग यहां पे अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स पर जाके इमेज की एक ऑप्शन मिलता है, वहां पर आप चले जाना, आपको 100% वहां पर भी कॉपीराइट फ्री इमेज मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना बीसीसीआई का जो भी आप फोटो यूज कर रहे हैं उस फोटोज में आपको लोगो का ध्यान रखना है, लोगो नहीं होना चाहिए, वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और यदि आप और ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो आप अपने वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दे सकते हैं यदि आपने बीसीसीआई का या फिर आईसीसी का आपने कोई भी फोटो यूज किया है। तीसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि बीसीसीआई का फोटो हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहो तो आईसीसी का जो ट्विटर हैंडल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप आईसीसी का ट्विटर हैंडल फॉलो करोगे दोस्तों, इसका भी वही चीज निकल के आ जाता है जो कि बीसीसीआई का निकल के आता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां से भी आप मन चाहे फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बीसीसीआई से भी आप फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, आईसीसी के जो ट्विटर हैंडल्स है यहां से भी कर सकते हैं। और आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जब भी मैच होता है तो मैच के दौरान करंट फोटो कहां से ले। तो दोस्तों ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे तेजी से जो फोटोज आते हैं वो आते हैं। तो यदि आप क्रिकेट के करंट वीडियो करंट अपडेट देते हो तो आप यहां से बेहतर फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। अब दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिसके माध्यम से आप बहुत आसान तरीके से क्रिकेट के बहुत अच्छे क्वालिटी के फोटो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा आपके इंस्टाग्राम पर, ठीक है। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद इस प्रकार का आपको इंस्टाग्राम का आपका आपको अपना अकाउंट है उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में हमें सर्च करना है क्रिकेट पिक्स। तो दोस्तों जैसे आप क्रिकेट पिक्स का आपको यहां पर सर्च करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ढेर सारे आपको क्रिकेट के यहां पे पिक्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं जब भी इस प्रकार की चीजें आपको करें आपको अपने मोबाइल डेस्कटॉप मोड में पहले कर लेना है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी शानदार तरीके से क्रिकेट की जो पिक्स अवेलेबल हैं, तो दोस्तों मैंने एक नहीं बल्कि चार चार आपको प्लेटफॉर्म बता दिए हैं कि किस तरीके से आप क्रिकेट की वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों चाहे आप गूगल का यूज करें, इमेज सर्च का ऐप का यूज करें, आईसीसी का जो मेन ट्विटर हैंडल है उसका यूज करें, या फिर आप इंस्टाग्राम का यूज करें, चारों के चारों प्लेटफॉर्म है आप इमेज यूज कर सकते हैं। और देखिए झिझकिए मत, यदि आप अपने वीडियोस में क्रिकेट के पिक्स का यूज करते हैं तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने वीडियोस के अंदर वाटरमार्क फ्री और लोगो फ्री व्यूज जो पिक्स है उसका यूज करना है, और पिक्स यूज करते समय जूम इन जूम आउट अपने फोटो को करना है। और मुझे पता ये तो आप करते ही होंगे क्योंकि आपको ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, तो जूम इन जूम आउट तो ऑब्वियसली सभी यूट्यूबर्स करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, इस वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है स्पेशली क्रिकेट के यूट्यूबर्स के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।